हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अप्पे, जो साउथ इंडियन डिश होती है। तो अब आपको बता दूँ इसमें क्या क्या लगेगा। सबसे पहले हम इसको इसमें सूजी लगेगी और दही लगेगा और ये सारी सब्जियाँ, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, हरा धनिया और गाजर। आपके पास अगर शिमला मिर्च है वो डाल सकते हैं, बीन्स हो तो बीन्स भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, बाकी सब्जियां भी आप डाल सकते हैं इसमें। चलिए तब इसको हम पहले इसका तैयार कर लें। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सूजी लगेगी। मैं 2 कटोरी सूजी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से सूजी डाल लीजिए, आप कितना बनाना है आपको घर में। ये 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, इसको हम मिला देंगे। इसमें हम पानी डाल के थोड़ा इसको पतला करेंगे, इसमें अभी कुछ नहीं डालना उसके अलावा। नमक वगैरह हम इसको बाद में डालेंगे, पानी डालेंगे। इसको हम मिला के और इसको हम आधे घंटे के लिए अभी रख देंगे ढककर, क्योंकि जो सूजी होती है पानी को सोख करती है। अभी ये गाढ़ी हो जाएगी कुछ देर रखे रखे, तो फिर बाद में जब हम इसको बनाएंगे तब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। और उसमें क्या क्या डालना फिर मैं बताऊंगी आपको। ये हमने मिला दिया इसको अच्छे से, इसमें अभी हमको नमक नहीं डालना है, कोई भी सामान नहीं डालना इसके अंदर। ये रख दिया, इसको ढककर हम आधे घंटे के लिए अभी रख देंगे। आधे घंटे बाद फिर हम इसको बनाएंगे। चलिए तब तक हम सारी सब्जियां काट लें, ठीक है, फिर बनाएंगे। चलिए अब सारी सब्जियों को हम बारीक बारीक चॉप कर लें। इसमें मैंने गाजर डाल दी हूँ, ये देखिए, गाजर को पीस लें पहले हम बारीक बारीक, बहुत बारीक नहीं पीसना है। प्याज को भी बारीक बारीक हम उसको चॉप कर देते हैं इससे चॉपर में। ये देखिए अभी चॉप हो गई है बारीक बारीक, ये देखिए, इसको हम निकाल देंगे। इसमें निकाल कर रख देते हैं सर, पत्ता गोभी को नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमने पहले से बारीक काट के रख ली है, धनिया भी काट के रख ली है। ये हमारी सब्जी कट गई है। ये देखिए हमारी सारी सब्जी कट के तैयार हो गई है, गाजर, प्याज, पत्ता गोभी, धनिया, हरी धनिया, हरी मिर्च, आम, मेरे पास कच्चा आम रखा हुआ था तो मैंने आम काट के रख ली हूँ, ये नमक और बेकिंग पाउडर, क्योंकि मैं इनो नहीं डालती हूँ तो बेकिंग पाउडर डालती हूँ। अगर आप इनो डालना चाहते तो इनो भी डाल सकते हैं, पर मैं बेकिंग पाउडर डालती हूँ, इससे भी वैसी ही बनेगी फ्लफी फ्लफी।
चलिए अब इसको अपन जो सूजी हमने दही के साथ मिला के रखी थी, अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पतला करेंगे, बहुत गाढ़ा है ये। थोड़ा सा पानी डाल लें, ये देखिए कितना गाढ़ा है। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए अब हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे। चलिए सब्जी डालते हैं इसके अंदर। पहले हम डालेंगे गाजर, ये देखिए गाजर डल गई। इसमें प्याज भी डालेंगे, पत्ता गोभी। ये बच्चों को खिलाने का बहुत बढ़िया तरीका है सब्जियां, क्योंकि हमारे घरों में एक समस्या बहुत बड़ी है कि जो बच्चे हैं वो सब्जियां नहीं खाते हैं। बहुत दिक्कत होती है माओं को सब्जियां खिलाने में बच्चों को, तो उनके लिए ये तरीका बहुत बढ़िया है। ये हरी मिर्च, तो आपके बच्चे अगर नहीं खाते हैं सब्जियाँ तो इसी तरीके से उनको बनाइए और खिलाइए। तो बच्चों को तो आप पे बहुत पसंद आते हैं, वो तो सब्जियाँ नहीं खाएंगे मगर आप पे ज़रूर खाएंगे। आप खिला के देखिए उनको बना के। मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से खिलाती हूँ, वो भी सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो उनको भी मैं ऐसे ही मिला मिला के सब सब्जियाँ बना बना के खिलाती हूँ। इससे उनको पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या सब्जियाँ पड़ी हैं, वो तो बड़े शौक़ से खाते हैं। ये देखिए सारी सब्जियाँ ने मिला ली हैं ना। अब हम इसमें थोड़ा सा, हम पहले इसको इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। नमक डाला और एक चम्मच हमने ये बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये मिक्स कर दिया। चलिए हम जल्दी से अपनी गैस पे आटे का सांचा रख के इसको गरम कर लेते हैं। गैस ऑन कर दी मैंने, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। गर्म हो जाएगा, तेज हो गए, इसको धीमा कर दी। इसे हम सब इसमें तेल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सब में। ये देखिए सब में तेल डाल दिया है। इसे बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, थोड़े तेल में बन जाते हैं। चलिए अब इसको डालते हैं। क्या हमने बेकिंग पाउडर डाला, इसको बहुत देर नहीं रख सकते, जल्दी में बनाना पड़ता है। इसमें मैंने थोड़ा नींबू भी डाल दिया है, वो आपको मैं बता नहीं पाई थी।
डालेंगे हम, पहले किनारे से डालेंगे तो बीच में पहले से डाल देंगे तो जल जाएंगे। ये देखिए ऐसे डाल देना है, इनको बनने में भी बहुत देर नहीं लगती, बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनको हम इंस्टेंट अप्पे कहते हैं, जो जल्दी बन जाते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, सबको पसंद आते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता, हम इसको ढक देंगे। चलिए देखते हैं, चलिए इनको पलट देते हैं, पलटने लायक हो गए हैं। ये देखिए बहुत आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए ये सारे हमारे अप्पे पलट गए हैं। अब इनको पलटने के बाद हम थोड़ी देर और इनको ढक के रखेंगे। बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वे जल्दी जल्दी बनाए और टिफ़िन में लगा दें। चलिए इसको थोड़ी देर और ढक के रख देते हैं। ठीक, बहुत कम टाइम में ये बन जाते हैं, इनको ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको शेयर करिएगा मेरी रेसिपी, और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। चलिए हम खोल के देख लेते हैं, हमारे अप्पे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, बाउल में, गैस को धीमा कर दें बहुत। ये देखिए कितने बढ़िया फूले फूले बने हैं इस पंजी। इनको आप उड़द की दाल और चावल से भी बना सकते हैं, जिससे हम इडली बनाते हैं उस बैटर से भी आप ये बना सकते हैं, पर उनको आपको दाल चावल सब फुलाना पड़ेगा, फिर पीसना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है ना। चलिए फिर से तो लगा देते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। पूरे में लग जाए उसमें तेल, ये डालते हैं। इतनी सारी सब्जी ऐसे मिक्स रहती है, काफी हेल्दी रहता है ये। बच्चों को बनाकर जरूर खिलाइएगा आप लोग। अब इसको ढक देते हैं। चलिए तब तक हम जो बना लिए उसे प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग कर देते हैं इसको, ये देखिए।
इनको आप हरी चटनी, लाल चटनी, नारियल की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। देखिए ये देखिए फूले फूले अप्पे, कैसा लग रहा है देखते। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको थैंक यू।